अरे पब्लिक तो कहत बाटी कि जकर चाची ओकर गुनगावल आज के जमाना में, आज आप दोनों जन संगे बाटी एक गिलास और दारू बाबू दे देने पीछे सारा तो कहीं सब बेकार में बस आजकल के ही युग तो मतलब एक तरीके से देखा जाए आपके हिसाब से पब्लिक के दोषी बा अच्छा अच्छा पब्लिक की गलत बात। अरे भाई हम कमाल मरे पढ़े लिखा ना है। अरे भाई जन जनता कही तो सुनल जाए कहल जाए जन जनता कही तो मानल जाए मान जाए जो नेता कहे तो मान लिया जाए। अरे ना बता दे खाई अब ओकर एक चार गो गुंडा बाटे आ कोनो कही फलाना में खराब है तो हे कही दे ठीक बा कोनो के सीसी पिया के कहो पर घूम के जो चार पड़ा का मार के आ हां का कर के वो फलाना तो हम के जब घूमत हैं तो लोग बोलत नहीं बा तो आपके का बोली आप उनके घर के बात एक बात आपके जो पूछे बा जांचे बा सुन ले हली उन्हें कब कर जली आ हर आदमी जब बोल दे ही तो कहले दुबारा डाहल बड़का मारल क्यों पाई है बात है आरे बोलते समनवा नहीं बोली है जैसा सब कहा पुरनका आदमी की सांप मर गए लाठी बचाल तो है कुछ गलत बोलना चाहे बाबू बोलने फलाना जोरे मुन्हरा नमस्ते मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम खजनी विधानसभा में है। खजनी जो है संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है लेकिन ये सहजनवा विधानसभा गोरखपुर लोकसभा के अंतर्गत आएगा सहजनवा लेकिन विधानसभा खजनी है। हम खजनी समझ कर उतरे जो खजनी विधानसभा संत कबीर नगर लोकसभा में आता है लेकिन चाचा बता रहा हूँ संत कबीर नगर लोकसभा नहीं है गोरखपुर लोकसभा है गोरखपुर लोकसभा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि खजनी है कि गोरखपुर है कि संत कबीर नगर है तीनों चीज में दिक्कत होता है। आप बताइए चुनाव आ गया है समय चुनाव का समय है कटिया उठिया तो लगभग हो ही गया सब कुछ कटिया हो गया कटिया तो सब खत्म सब समाप्त हो गया। अब लोग चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं किसका माहौल टाइट है किसका कमजोर है लोगों से आप भी सुन रहे होंगे आप भी बतकही कर रहे होंगे चुनावी चर्चा भी कर रहे होंगे तो क्या लग रहा है हमारे लिए बहुत सब बराबर है वही लोग सब पूछ लिया सब बराबर है हमारे लिए सब बराबर है। योजनाओं का लाभ कभी मिला आपको? मिलल बा जौन 10 रुपया रहल बा जो सोझा 20 रुपया हो गई बा जौन गैस 400-500 रहे तो 200 कपेटी आवे तब सब रोज मांगे कला जिन मुर्दाबाद का नारा लगावे अब 1000-1200 हो गए 69 रुपया होता तो क्यों पूछते नहीं बा जवाब नहीं मांगा तब का पेट्रोल का दाम बढ़ गया आपके हिसाब से सब कुछ कुल मिला के देखा जाए तो महंगाई चरम पर है तब महंगाई चरम पर बढ़ले हाँ सरकार तो कहले कि आय दुगुना कई दानी अरे भाई तो जकर राज दोहाई बा जकर नीचे सुपर बा अपने गुण गाई हम सीधा जा लेगा जकर राज दोहाई बा नीचे सुपर सरकार बा वो कुछ भी कर सकला ओकरे हाथ में सत्ता बा नीचे सुपर थाना पुलिस सरकार सब ओकर मत आपके हिसाब से चूंकि आपकी उम्र कितना हो गई 65 बहुत सरकार देखल गई मोदी सरकार देखल गई अटल जी के सरकार देखल गई राजीव गांधी को भी देखल गई इंदिरा गांधी के अगर सब मिला दिया जाए तो कौन बेहतर हो? अरे बेहतर के हम लाए बाबू ऐसे के बन रहा है दसवा तो बनौल कांग्रेस है बाकी आज अब 16 पार्टी खड़ा हो गई तो लड़त 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 लोहा पे जरूर रगड़ा पड़ल तो जब निकल गई तो कहला फलानवा खराब है फलानवा खराब है आज कांग्रेस नहीं बनल तो सर उनका बहन लात जूता खात अंग्रेज के बनौल तो वह कौन मरला अब कौन ससुरा मरा था क्या पटिया में कौनो पार्टी में कौन मरा था और कांग्रेस ने त्याग किया तब कांग्रेस सब कह कांग्रेस ने त्याग किया है चाचा का नाम है काम करते जरूर तुम भूल चुके हो बाकी बनावल देश आजाद कई आपको लगता है पब्लिक की गलती नहीं बा? अरे पब्लिक तो कहत बाटी कि जकर चाची ओकर गुनगावल आज के जमाना में आज आप दोनों जन संगे बाटी एक गिलास और दारू बाबू दे देने पीछे सारा तो कहीं सब बेकार में बस आजकल के ही युग तो मतलब एक तरीके से देखा जाए आपके हिसाब से पब्लिक के दोषी बा अच्छा अच्छा पब्लिक की गलत बात। अरे भाई हम कमाल मरे पढ़े लिखे ना है। अरे भाई जन जनता कही तो सुनल जाए कहल जाए जन जनता कही तो मानल जाए मान जाए जो नेता कहे तो मान लिया जाए। अरे ना बता दे खाई अब ओकर एक चार गो गुंडा बाटे आ कोनो कही फलाना में खराब है तो हे कही दे ठीक बा कोनो के सीसी पिया के कहो पर घूम के जो चार पड़ा का मार के आ हां का कर के वो फलाना तो हम के जब घूमत हैं तो लोग बोलत नहीं बा तो आपके का बोली आप उनके घर के बात एक बात आपके जो पूछे बा जांचे बा सुन ले हली उन्हें कब कर जली आ हर आदमी जब बोल दे ही तो कहले दुबारा डाहल बड़का मारल क्यों पाई
बात समन्वय नहीं बोली है जैसा सब कहा पुरनका आदमी की सांप मर गए लाठी बचा लो तो हर कुछ गलत बोलने चाहे बाबू बोलने फलाना संजोर जोरे मुनहरा दे कहीं मैं एक चीज एगो राजनीतिक सवाल करता नहीं रवि किशन के देखले बानी नहीं हम बाबू नहीं देखले हैदर अली साहब के के हम नहीं देखले बानी केहू के नहीं देखले बानी हम बाहर रहते हैं साल भर भाई आप देखले बानी नहीं भैया आप नहीं रवि किशन कायदा ले साथ ढूंढ रही नहीं नहीं अरे रवि किशन देखिए तब तक एक व्यक्ति ने कहा कि रवि किशन को हम देखे हैं रवि किशन को देखे हैं नहीं 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 हां समझ नहीं आ रहा है खजनी चौराहे पर कभी पैदल चले नहीं है कोई देखा भी नहीं है खाली आते हैं गाड़ी में बैठ करके वहीं अच्छा उनको पता है कि नहीं कि उनका लोकसभा अब का जिनके पता भाग नहीं पता हुआ क्या कि खजनी विधानसभा और इस सहजनवा के अंतर्गत आता है मतलब जो विधानसभा का कुछ गांव है उस सहजनवा में आता है ना गांव बन के हमर चिन्हले नारायण वाले की मारो ये हम विधायक लेकिन आप लोग गोरखपुर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं ना गोरखपुर गोरखपुर पड़ी तो गोरखपुर लोकसभा में हाँ एक दुर्भाजन बा संत कबीर नगर संत कबीर नगर तो रवि किशन को नहीं देखे अभी तो हम देख ला ही नहीं बड़े चेहरे काजल निषाद के नहीं देख रहे वाले तो माहौल का है इस समय अब माहौल का देखा जाए एकदम बैलेट पेपर बताए माहौल के लिए योगी मोदी के काम यही है जेकरे जहाँ मन करे तहाँ दे हमें कहले के हम वोट देता क्या आपके हिसाब से मुद्दा क्या है कुछ नहीं कोई मुद्दा नहीं है कोई मुद्दा ही नहीं है सब समाप्त हो गया है सब समाप्त हो गया है देखिए आप बताइए आप खजनी के रहने वाले हैं लोकसभा अभी हम जब जानकारी हुआ तो हमको लगा कि संत कबीर नगर लोकसभा लेकिन चाचा ने बताया कि सहजनवा में पड़ेगा सहजनवा के अंतर्गत एक गांव आता है सही बताओ सही बताया सही बताया लेकिन विधानसभा का जब चुनाव होता है तो सहजनवा में आएगा विधानसभा में भी आप बताइए रवि किशन शुक्ला है और काजल निषाद क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी अभी यहाँ तो कोई दिखबा नहीं किया रोड पे कोई नहीं दिखा न काजल दिखी ना रवि किशन दिखे अच्छा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को दोनों कार्यकालों को आपने देखा किस तरह का कार्यकाल लगा दोनों में सबका ठीक था उसमें दोनों किस सबका ठीक था सबका ठीक था इस बार क्या लग रहा है इस बार कोई बताया नहीं जा सकता है कुछ लोग कह रहे हैं मोदी योगी के नाम पर वोट पड़ेगा कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन विपक्ष के लोग उसके नाम पर पड़ेगा कहा नहीं जा सकता क्या होगा मतलब चुनाव में गणित फिसल सकता है कुछ भी हो सकता है वोटर साइलेंट है साइलेंट बोलने कोई तैयार नहीं कोई तैयार नहीं है बोलने कोई तैयार कोई तैयार नहीं है बोलने के लिए बोलने को कोई तैयार नहीं है और लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है सब्जी बेचते हैं जो पहले आप बेचते थे लोग महंगाई हुआ एक चर्चा करते हैं कि नहीं जब आते हैं तुम सभी महंगा हो आते हैं कहते हैं महंगा है सस्ता है कुछ लोग तो क्या किया जाए जो जो कहते हैं वही मान लिया जाता अच्छा, आप सब्जी बेचते हैं योगी मोदी के कार्यकाल को आप देख रहे हैं इसके पहले के कार्यकाल को भी देख रहे थे कितना अंतर पाते हैं अपने गृहस्थ जीवन में ठीक है चल रहा है इस मामले में ठीक है चल रहा है और का विकास उकास हुआ है आपका विकास यही रोड का हो रहा है जहाँ सड़क की स्थिति सड़क हो रहा है और मामलों में और मामला भी गुंडागर्दी भी नहीं हो रहा है सब ठीक है ठाक है गुंडागर्दी नहीं हो रहा है अच्छा आई नहीं हो गुंडागर्दी नहीं हो रहा है इस सरकार में इन्होंने कहा गुंडागर्दी नहीं इससे आप सहमत है अरे भाई इससे तो भाई सभी लोग सहमत है सभी लोग सहमत है गुंडा पहले होता था पहले होता था पहले भी होता था कांग्रेस के जमाने में होता था मान लीजिए लेकिन अब थोड़ा कम हो गया क्या भैया पहले होता था अब कम हो गया अरे ठीक चल रहा है इस पर भी बोलेंगे नहीं कि दब गए नहीं कहाँ दब गए सब सही है सब सही है तो चलिए कुछ और लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि गोरखपुर लोकसभा का माहौल क्या है क्या नाम है भैया आपका मदेसिया जी हैं लोग गोरखपुर लोकसभा है क्योंकि कंफ्यूजन में बार बार यही कह रहा हूँ खजनी में हूँ गोरखपुर लोकसभा है और सहजनवा विधानसभा है सहजनवा विधानसभा है अंतिम छोर है अंतिम छोर खजनी इसके बाद शुरू हो जाएगा खजनी थाना से उस पर खजनी कबीर नगर पड़ेगा और इधर गोरखपुर हो जाएगा क्या लग रहा है रवि किशन जी हैं काजल निषाद जी हैं उधर ऊपर योगी मोदी के नाम पर लोग कह रहे हैं वोट करेंगे इधर अखिलेश यादव के नाम पर राहुल गांधी मोदी के नाम करेंगे मोदी ने ऐसे क्या किया संतुष्ट है और क्या उन्होंने कहा गुंडागर्दी था पहले सब कुछ ठीक है अब ठीक हो गया सब पहले था कंफ्यूजन में नहीं सही है इन्होंने बताया कांग्रेस ने बहुत कुछ किया इस देश को बनाने में कांग्रेस का बड़ा रोल भाई जब उसका समय था तो किया
अब उसका समय नहीं तो नहीं कर रहा है। योगी मोदी के अंदर क्या देखते हैं, क्या बार कोई बात नहीं है, बहुत कुछ है, हम लोग संतुष्ट है, योगी मोदी से हम लोग संतुष्ट है। वोट जो है प्रत्याशी के नाम पर नहीं, योगी मोदी, योगी मोदी के नाम पर दिया जाएगा। अरे हर जगह देखने को मिल रहा है प्रत्याशी से लोग नाराज भी हैं, लेकिन प्रत्याशी जब नहीं आएंगे अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में नहीं आएंगे तो प्रत्याशी कब करेंगे, हम उनको देखे नहीं है। ठीक, ये शाहजहानवा का अंतिम छोर है, लोकसभा गोरखपुर है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का समय, कांग्रेस का जो दौर है उसको हमने देखा है, कांग्रेस के दौर को कोई लौटा नहीं पाएगा। तब तक एक चाचा ने कहा योगी मोदी का दौर है, योगी मोदी का समय है, योगी मोदी से हम तो संतुष्ट हैं। तो वहीं एक भाई साहब ने कहा पहले गुंडागर्दी होती थी अब नहीं होती, लेकिन प्रत्याशी के नाम पर जब बात रवि किशन शुक्ला की आई, काजल निषाद की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रत्याशी हुई, लेकिन लोग कह रहे हैं रवि किशन को हम 5 साल तक नहीं देखे, सीधे आते हैं और गाड़ी लेकर सीधे चले जाते हैं, तो रवि किशन के नाम पर वोट पड़ने वाला नहीं है। योगी मोदी के नाम पर जो लोग समर्थन कर रहे हैं वोट करेंगे, लेकिन वो रवि किशन के नाम पर नहीं करेंगे।